नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का प्लेनेट ऑफ संजीव पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए इसे सारे विद्यार्थी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के कैबिनेट ने 2 साल पहले निकलने के बाद राष्ट्रमंडल में फिर से जुड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? देखिए दोस्तों, इसमें जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं ना, वह या तो अंग्रेजों के गुलाम होते हैं या उनके अधीन रह चुके हैं, और ये आपस में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, एडवांस इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट के को सहयोग देने के लिए आपस में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रस्ताव को जो मंजूरी दिया है वह मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, नवे नवे जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं, वह हैं इब्राहिम महमूद शाली, जो 19 नवंबर को यह प्रस्ताव की मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का कौन सा आंसर हो जाएगा? मालदीव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, पहले जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां ऑप्शन आप लोग इसको नक्शे में देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कहां पे है, जो रेड कलर का दिख रहा है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना, ये दोनों राज्य पहले एक साथ थे और अब इनका अलग हो गए हैं, तो आंध्र प्रदेश को अलग से एक हाई कोर्ट बनाने की अनुमति मिली है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और ये 25वां हाई कोर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और हाई को आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए, इसके सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, कैपिटल अमरावती है और गवर्नर हैं ESL नरसिम्हल। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्तित्व को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैक्सिकन ऑर्डर ऑफ द एजेंट एगल के से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा। इसमें जो दोस्तों है ना, जो मैक्सिको की सरकार होती है, वहाँ को मैक्सिको में जो अदर देश के लोग नागरिक होते हैं उसको यह सम्मान देती है। ठीक है दोस्तों, और इस सम्मान को हासिल करने वाले हैं आपके श्यामा प्रसाद गांगुली। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद गांगुली, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2018 ग्लिट्समैन पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो 2018 का ग्लिट्समैन पुरस्कार जीती हैं मलाला यूसुफ़ज़ई ने। ठीक है दोस्तों, और ये आप जान जाइए, ये नोबल पुरस्कार भी जीत चुकी हैं 2014 में कल्या सत्यार्थी के साथ, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसमें प्रोफेसर हैं, शायद प्रोफेसर हैं, और ये जो बच्चों के लड़कियों के लिए उसके उनके वर्क को प्रमोट करने के लिए काम करती हैं, सोशल वर्क के रूप में भी काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? मलाला यूसुफ़ज़ई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स 2018 किस देश के साथ किया? ठीक है, तो जो सिम्बेक्स है किस देश के साथ किया है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो सिम्बेक्स से देखिए, यहाँ पे सिम्बेक्स को अगर आप लोग अलग करेंगे तो देखिए, एस से आपका हो जाएगा सिंगापुर और आई से हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जो सिम्बेक्स है आपका यह इंडिया और सिंगापुर का है, और जो श्रीलक्स है, श्रीलक्स जो है इसमें देखिए श्री आ रहा तो श्रीलंका हो जाएगा और इंडिया हो गया। ठीक है, और जीमेक्स है तो इसमें जे आ रहा तो जापान और इंडिया के बीच में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आप लोग याद करिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? सिंगापुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भारत और किन देशों के बीच आयोजित की गई है? ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा। इसमें देखिए दोस्तों, जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति भारत, और जो दूसरा देश है आपका वो इंडोनेशिया है, और यह एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो समुद्र शक्ति के नाम से जाना गया है। इसे 12 नवंबर 2018 को इसका अभ्यास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 12 नवंबर 2018, तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। जो
इसका थीम है दोस्तों वहां पे है हियर टू मी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ये 25 नवंबर को मतलब बताया गया था, इसके विषय में यह नियम लागू गया, मतलब 25 नवंबर को लाया गया है, ठीक है, और इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नोट्स ऑफ ड्रीम किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की जीवनी है, ठीक है दोस्तों। तो जो नोट्स ऑफ ड्रीम है ये आपका है ए आर रहमान का, ठीक है दोस्तों। ए आर रहमान, ये तो आप लोग जानते होंगे ए आर रहमान कौन है, तो इन्हीं का है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 2019 गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मुख्य अतिथि होगा। आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है सिरिल रामाफोसा आएंगे, सिरिल रामाफोसा, ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, संविधान का कौन सा लेख समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो जो आर्टिकल आपका है इसमें 39A, ये आपको यह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, ठीक है, और इसको 9 नवंबर से लागू किया गया है ताकि वे कमजोर वर्ग भी आगे बढ़ सकें, ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 39A। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय अवार्ड किस अवार्ड के लिए किस प्रसिद्ध पत्रकार का चयन किया गया है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या हो जाएगा। तो जो ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं आपके एन राम है, देखिए दोस्तों इसमें भी राम आ रहा है और इसमें अवार्ड में मोहन राम मोहन राय, इसमें भी राम आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो दोनों में राम राम आप लोग स्टिक से याद कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत सद्भाव के लिए 2016 टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा इसमें दोस्तों। तो इसको सम्मानित किया गया था राम विजयी सूत्र को। अगर आप लोगों को ट्रिक याद करना है कि कैसे याद करें, तो देखिए संस्कृत सद्भावना पुरस्कार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, तो एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया, राम बैजी सूत्र, यहाँ पे देखिए इसमें भी सूत्र आ रहा है और संस्कृत सद्भावना पुरस्कार इसमें भी आ जाएगा, तो इसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया, तो हो जाएगा राम बिनजी सूत्र, ठीक है दोस्तों। देखिए जो राम बिनजी सूत्र हैं ये इन्होंने ही, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूनिटी ऑफ स्टैचू है उसको ये मतलब बनवाने में उसको एक तरह से वहाँ इसके शिल्पकार भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि प्लस योजना लॉन्च की है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे है क्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गौ समृद्धि प्लस योजना है ये केरल की सरकार ने लॉन्च की है और इसको जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 50% सब्सिडी देने का प्रयास किया गया है और जो SC और ST कैटेगरी के हैं उसको 70% देने का प्रयास किया गया है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, केरल आप लोग देख लीजिए कहाँ पे है अब मैप में, यहाँ पे केरल आपका है, ठीक है दोस्तों। चलिए, नई दिल्ली में छठी भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा दोस्तों। इसमें मार्था फेरल को सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान की शुरुआत की है, आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ऑप्शन मैप में देख लीजिए कहाँ पे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा इसमें। ये हो जाएगा आपका इम्फाल। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा खेल पत्रकार दी फायर बर्न ब्लू और हिस्ट्री ऑफ विमेन क्रिकेट इन इंडिया के लेखक हैं, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा इसमें। देखिए इसमें जतिन सप्रू है, कर्मोनु केशव है, मलयंती लैंगर है और बोरिया मजूमदार हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कर्णया केशव, ठीक है दोस्तों। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार आयु धोखाधड़ी के दोषी क्रिकेटर को कितने साल तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन बताइए क्या होगा इसमें। 2 साल है, ठीक है दोस्तों। इसमें बता दीजिए इसके प्रेसिडेंट कौन है, सीके खन्ना है, और वुमेन कोच आपके हैं रमेश पवार है, और मेन्स कोच हैं आपके रवि शास्त्री जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहली पहली अंतर्निहित ट्रेन का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका। तो अंतर्निहित ट्रेन मतलब जिसमें, यह पहली एक ऐसी ट्रेन है जिसमें जो भारत में बनी है वह उसमें इंजन नहीं है, इंजन मतलब अलग से नहीं है, उसमें डिब्बे में ही फिट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अक्टूबर 29 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। ठीक, मतलब 29 अक्टूबर को लॉन्च हुई है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रश्न इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीटेड हो गया है। इसमें यह बोला गया है कि कौन सा आम है, आमों का एक मतलब सबसे अच्छा आम माना जाता है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें अल्फोंसो है, ठीक है, इसको हासुफ आम भी कहा जाता है और यह आमों का राजा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। मोबाइल स्वास्थ्य आवेदन मेडवाज किस भारतीय सशक्त बल की पहल है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा इसमें दोस्तों। जो आपका मेडवाज है ये आपका इंडियन एयरफोर्स की पहल है। आप लोग जान लीजिए कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और नेवी डे 10 दिसंबर 4 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, और इसके मतलब चीफ कौन है, एडमिरल सुनील लांबा इसके चीफ हैं, नेवी के, आर्मी के चीफ हैं बिपिन रावत, और एयरफोर्स के वीरेंद्र सिंह धनोआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। JIMX-18 भारत और किस देशों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको बताए थे ना, जे जे से क्या बना था, जे से बना था जापान, और आई से बना था इंडिया, तो यह हो जाएगा आपका जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। आयुष सूचना कक्ष ने हाल ही में भारत सरकार GOI द्वारा किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें। रोमानिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और जापान। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयुष है, आयुष किससे संबंधित, पहले दोस्तों ये जान जाइए। तो जो आयुष है आपका योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित होता है, और इसको 9 नवंबर 2014 को इसका फाउंडेशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो आयुष है यह सूचना कक्ष को अभी हाल ही में जो रोमानिया सरकार है वहाँ की ने इसको आयुर्वेद इन रोमानिया में रिलीज किया गया, एक पुस्तक है उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने आयुर्वेद इन रोमानिया पुस्तक को भी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किस देश द्वारा स्थापित किया गया है, तो रोमानिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कौन सी अल्कोहल नियंत्रण पहल की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, अगर अल्कोहल क्या होगा, अगर आप लोग ट्रिक्स, अगर आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए क्या होगा, तब तक मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर अल्कोहल से आपको क्या मिल सकता है, सेफ रह सकते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा यह आपका सेफर। ठीक है, सेफर हो गया। अब ये जानिए दोस्तों, जो सेफर क्या करता है, तो ये आपका क्या करता है, प्रिवेंट एंड रिड्यूस अल्कोहल रिलेटेड डेथ एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब वह जो अल्कोहल से होने वाली मृत्यु और उसकी जो अयोग्यता है उसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, रोकने या उसको कम करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय मूल व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नामित किया गया है गीता गोपी चंद को। ठीक है, और ये आप लोग जान जाइए जो IMF के जो चीफ है उनका क्या नाम है, उनका नाम है क्रिस्टिन लेगार्डे। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश की टीम ने 2018 में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी जीती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए बताइए। इसमें जो जीता है जोहर कप ये आपका है ब्रिटेन ने। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग कभी कंफ्यूज होते हैं UK किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, आप लोग वहाँ से देखिए, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और अगर इसमें नॉर्थन आयरलैंड जोड़ दिया जाएगा तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। आप पूरी जो है सबको मिला जुला के ब्रिटिश
ब्रिटिश द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो जोहर कप है आपका, यह किस किस खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो जोहर कप आपका वह हॉकी से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय लोक कलाकार ने 2018 में फुकुओवा कला और संस्कृति की पुरस्कार जीता है। तो इसको जीते हैं तेजन बाई ने, तेजन बाई ने इसको जीता है। ठीक है दोस्तों, और तेजन बाई जो है यह मतलब एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल परफॉर्म करती हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, निःशक्त जन के लिए पहला राज्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जैसे निःशक्त जन के लिए जो पहला राष्ट्रीय, इसका पूरा क्वेश्चन यह है, पहला राष्ट्रीय स्टेडियम मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्थापित किया गया है, आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नागालैंड। सॉरी दोस्तों, नागालैंड थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज है, इसमें है मेघालय ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय है, उसकी राजधानी आपका शिलोंग है। ठीक है, गवर्नर है टाटा गाउंडर रॉय, और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं आपके कोंडराम संगमा हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत किन राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा दोस्तों इसमें। दोस्तों आपका है हरियाणा, हरियाणा को देखिए, हरियाणा वाज द रैंक आज एज द बेस्ट स्टेट, हरियाणा को बेस्ट रैंक का मतलब बेस्ट रैंक को दिया गया है, बेस्ट रैंक सबसे नंबर वन पे दिया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो आज जो इसमें मैक्सिमम सिटीजन के रूप में जो पार्टिसिपेट किया है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस का विषय क्या है। तो जो विश्व शिक्षक दिवस है, ये तो आप जानिए, विश्व शिक्षक दिवस कब होता है। तो जो विश्व शिक्षक दिवस है, हमारे शिक्षक दिवस से मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से 1 महीना पीछे होता है। यानी समझिए कि अगर ट्रिक याद करना आप लोगों को, तो समझिए कि इंडिया वाले से सारे देश 1 महीना पीछे चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर आपके वहाँ कितना होता है, कब 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो वहाँ पे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है दोस्तों, तो 5 सितंबर को तो मनाया जाता है इंडिया में, लेकिन विश्व में 5 अक्टूबर को। और इसका जो थीम है आपका मतलब विषय है द राइट ऑफ एजुकेशन मीन्स द राइट ऑफ द क्वालिफाइंग टीचर। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने विशेष रूप से युवाओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो शुरुआत किया है वह शुरुआत किया है बी सेफ एंड सोबर ऑन द रोड प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही समझौते पे हस्ताक्षर किए जिसके जिसके साथ राज्य विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सतीश धवन केंद्र स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, तो सतीश धवन केंद्र कहाँ पे स्थापित करना है, तो जो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आप बताइए दोस्तों। तो वायुसेना है आपका, अभी आपको बताए भी हैं थे इसके पहले, 8 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और ये जान लीजिए 8 अक्टूबर 1932 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसकी चीफ कौन है, बीरेंद्र सिंह। भारतीय इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मानवतावादी सहायता अभियान शुरू किया है। आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन सुमद्रा पराक्रम, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, तो इसमें हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाफ द नाइट इज गॉन विच इज द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू प्राइज 2018। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कौन से राइटर हैं,
हाफ द नाइट इंच गॉन, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो है अमिताभ बागची हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, 2018 का नोबल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो नोबल शांति पुरस्कार दोस्तों देखिए, इसमें जो नोबल शांति, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, डेनिम ने मुराद देखिए, यहाँ पे है आपका, देखिए डेनिम ने मुराद मांगी थी नोबल प्राइज पीस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे डेनिम और मुराद, देखिए डेनिम जो है एक, और एक है नाडिया मुराद, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, देखिए नाडिया मुराद है ना, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साहित्य में 2018 का नया अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, जिसे नोबल साहित्य पुरस्कार के विरोध में बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब नोबल में साहित्य पुरस्कार नहीं होगा, अब उसके जगह पे हो बनेगा जो नया बना है वह, और नोबल साहित्य पुरस्कार के जगह पे बनाया गया है नया नया अकादमी पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, और इसको जीते हैं मार्से कोंडे। चलिए अगला क्वेश्चन, बस्तर डिस पैचेस ए पैसेज थ्रू द विल्स का लेखक कौन है, ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं आपके नरेंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत विद्रोही सुल्तान डक्कन खिलजी ने शिवाजी तक लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताइए, तो मनु एस पिल्लई, नरेंद्र सुभाष चंद्र और अरविंद, इसमें जो है आपके मनसु पिल्लई हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, द रूल ब्रेकर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए कौन होगा, तो जो रूल ब्रेकर पुस्तक के लेखक है प्रीति शुनाय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अटल जी ने कहा किताब के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों, बताइए क्या होगा, तो विजेंद्र हैं, कुलदीप नायर हैं, रामचंद्र गुहा हैं और वीवीएस लक्ष्मण हैं, तो विजेंद्र रे ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड योर ईयर इन ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो अब बताइए, सुमित्रा महाजन, आनंद शर्मा, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू, ये जो हैं आपके वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है दोस्तों, तो नायडू ये मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके, चेयरमैन हैं राज्यसभा के, तो आपको पता होगा, ठीक है, और जो इस पुस्तक के जो रिलीज किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल जो है आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। अब आप लोग को याद करना पड़ेगा मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब हुआ था, तो हुआ था आपका 29 अगस्त को, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, हर साल चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों चैरिटी का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, टीचर्स डे के दिवस के अवसर, आप लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर आप क्या शिक्षा देना क्या है, एक चैरिटी ही ये तो है, इसलिए आपका हो जाएगा, आप लोग जाइए, जो शिक्षक दिवस मनाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, और ये फर्स्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और दूसरे नंबर पे ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 10 सितंबर को, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ऑन ऑफ नो, ये अगर आपका कोई भी चीज़ होता तो क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, फिर नो, ठीक है, ऑन ऑफ नो अगर याद है तो ऑन ऑफ नो, तो ऑन वन को लिख सकते हैं 1, ठीक है, ऑफ ऑफ मतलब कहते हैं उसको 0 हो गया, मतलब ऑफ कर देते हैं, 0 हो गया, नो मतलब नो, मतलब 10 तारीख और 9 महीना, तो 10 सितंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, भारत भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाता है, ठीक है, तो ये बताइए, देखिए दोस्तों जो पोषण माह होता है वह सितंबर माह को मनाया जाता है, क्योंकि जो मानव की जो प्रेगनेंसी डेट होती है वह 9 माह की होती है, इसलिए आप ट्रिक बता रहे हैं आपको, 9 माह की होती है, इसलिए सितंबर महीना जो होता है 9 महीना होता है, इसलिए आपका ये सितंबर होता है, पोषण का वही ट्रिक हो जाएगा, ठीक है,
या मैं मतलब जो कुपोषण के लिए मतलब इसको कुपोषण को हटाने के लिए इसको मनाया जा रहा है ताकि जो कुपोषण इंडिया में है उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत ने पहली स्मार्ट फेस पायलट परियोजना शुरू की गई है जिसके साथ सीमा है, ये बताइए कौन सी होगा। तो आप लोग जान जाइए इसमें क्या हो जाएगा, पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे अधिक हमको मतलब वहीं से मतलब हो रहता है कि पाकिस्तान पे ही लगा। आप जानिए पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान और जो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, मतलब राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। सैन्य अभ्यास ए वी इंदिरा 18 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है। देखिए दोस्तों, एक इंदिरा है और एक ए वी इंदिरा है। ठीक है, इंदिरा है एक ENDRA इंदिरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इंदिरा में देखिए क्या है, इंडिया आ रहा है और आर ए से मान लीजिए रसिया, रसिया में आ रही होता लेकिन आप मान लीजिए रसिया याद करें, तो जो इंदिरा है वो इंडिया और रसिया के बीच में है और ए वी इंदिरा है, ये भी आपका देखिए इसमें भी इंदिरा और रसिया, इसमें भी इंदिरा आ रहा है कि नहीं लास्ट में, देखिए ये भी इंडिया और रसिया के बीच में है, लेकिन ये जो AVI से मतलब होता है एयरफोर्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब एयरफोर्स का है या सैन्य अभ्यास, और जो इंदिरा है आपका ये थल सेना का है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रसिया और इंडिया, इंडिया और रसिया। चलिए इसके अलावा जो भी देखिए, श्रीलंका आपको बता चुके हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, और उसके बाद युद्ध अभ्यास है इंडिया और रूसिया के बीच में है, माइलेक्स है बिस्मिस्ट जो कंट्री है उनके बीच है, और नोमेडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया है, और आपका है सागरमाथा है चाइना और नेपाल के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। काजी 2018 सैन्य अभ्यास भारत के बीच आयोजित किया गया, आप लोग आसान बताइए। काजित मतलब देखिए अब ट्रिक्स याद कर सकते हैं, काजित मतलब होता है कजाकिस्तान और यह इंडिया, तो क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत और यूएस किस राज्य में युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे। देखिए अभी बताया ना युद्ध अभ्यास, भारत यूएस और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास, तो ये आपका भारत यूएस किस राज्य में है, तो आपका यह उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, आप फिर यहाँ पे देखिए श्रीलंका का देखिए, सिलेक्स हो गया, नोमैडिक एलिफेंट है, और फिर आपका मिलेक्स है, तीनों आप लोग जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न प्राप्त करेगा। ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा और हिमा दास हैं, विराट कोहली और मीराबाई शानू हैं, और राही सरनोबट और विनेश फोगाट हैं, और सतीश कुमार और स्मृति मंधाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इस बार का, उनको मिलेगा विराट कोहली और मीराबाई चानू को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा संगठन 1 सितंबर को अपना पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च करने जा रहा है, तो ये आपका है आपका भारतीय पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आसान है। चलिए एशिया में ओलंपिक परिषद ने भारत के किस स्वदेशी खेल को मान्यता दी है। ठीक है, तो जो एशिया के ओलंपिक परिषद ने भारत में जो है खो खो खेल को मतलब मान्यता दी गई है। ठीक है, और इसे हो सकता अगले एशियन गेम में शामिल भी कर लिया जाए। ठीक है, इसरो ने किस साल तक मानव स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान लॉन्च करेगी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जो इसरो है भारत का, वह पहली बार जो है ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट बनाने जा रही है, और ये आपको 2022 तक कंप्लीट कर देगी, 2022 तक मानो इसको भेज देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंगफान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो जो सिंगफान वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों ना, वह नागालैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड हो जाएगा, और आप देखिए नागालैंड का जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछ लिया जाए तो आप तरह से मान सकते हैं हिमा दास हैं, क्योंकि जितने पूर्वोत्तर देश हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं, और यह एन ईरा नेम्ड हैं, और यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 2017-18 में भारत में FDI का कौन सा देश शीर्ष स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो जो शीर्ष स्रोत है आपका वह है आपका मॉरिशस। ठीक है,
मॉरिशस है आपका, और उसकी जो राजधानी है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उसी हम बता दे रहे हैं। राजधानी आपका है पोर्ट लुइस, और जो इसके पीएम है प्रविंद जगन्नाथ है, ठीक है। और करेंसी है जो इसका रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 100 सरकारी सेवाओं के लिए एक घर के द्वार तक वितरण की योजना शुरू की है। मतलब ऐसी सुविधाएं जिसमें इसमें 40 डिपार्टमेंट और 100 सर्विसेज हैं, और इसको आपको घर पे ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बस उसका 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है दोस्तों। 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसके लिए आपको सारी चीज़ें घर पे उपलब्ध हो जाएंगी, और ये आप सरकार शुरू किया है दिल्ली सरकार ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है, कहाँ गया, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। इंटरपोल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो इंटरपोल के नए राष्ट्रपति हैं, इंटरपोल एक तरह से होता क्या है ये आप लोग जानिए। इंटरपोल जो होता है आपका इंटरनेशनल क्राइम पुलिस होता है, ठीक है दोस्तों। इंटरनेशनल पुलिस क्राइम होता है, और इसका हेड क्वार्टर लियोन जो फ्रांस में है, ठीक है दोस्तों। और ये जो किम जोंग वांग है, इसको चुना गया है, ये साउथ कोरिया के हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पत्रकार ने साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम जीता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय पत्रकार ने साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। तो ये आपके हैं स्वाति चतुर्वेदी, ठीक है दोस्तों। और ये जो स्वाति चतुर्वेदी हैं, नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू ले चुकी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के अंडर 17 लड़कों की टीम ने सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, जो आपका है ये पहले क्वेश्चन पूछता है कि सुब्रतो कप आप किससे संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित था, और उसे जीता कौन है अंडर 17 में, बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, फीका उभरते कलाकार पुरस्कार 2018 का प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए जो फीका है, एक फीका तो आपको पता ही होगा, फीका क्या नाम है, तो इसका पूरा नाम होता है फाउंडेशन फॉर द इंडियन कंटेम्प्रेसरी आर्ट। और जो कंटेम्प्रेसरी आर्ट है, इसको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार है एक फीका, ठीक है। और इसको मिला हाई स्किल ड्राइंग होती है, जिसमें पेंटिंग स्पीक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसको मिला अनुपम राय को, ठीक है। अगर आप लोगों को याद करने का ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि फीका, तो देखिए फीका मतलब कोई चीज़, अगर आप फीका खाएंगे तो क्या कर रोने लगेंगे, तो रॉय से रोने, ठीक है दोस्तों। इसलिए अनुपम राय आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यायाम भारत 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों, आयोजित किया गया है, तो आप बताइए। तो जो व्यायाम है वह आपका रसिया के बीच में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो वही आपको वही व्यायाम बताया ना, इंदिरा, इंदिरा जो है आपका वो किसके, अभी आपको बता चुके हैं इंदिरा है, और एक एलिविंद्रा है। तो एलिविंद्रा जो एयरफोर्स के लिए वो किया गया है, और जो इसका है ये आपका थल सेना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना समुद्री शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋण की त्वरित प्रक्रिया को PaaS पोर्टल तैयार और विकसित किया है। तो पंजाब नेशनल, विजया बैंक, देना बैंक और इलाहाबाद। देखिए दोस्तों, जो PaaS पोर्टल मतलब पैसा जो है, इसके इसका पूरा मतलब होता है पैसा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है ना पैसा, पैसा पोर्टल, जो पैसा पोर्टल है दोस्तों, इससे कम ब्याज पे और जल्दी पैसा देने का प्रयास किया गया है। और पैसा का जो फुल फॉर्म होता है वो देखिए, पोर्टेबल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सर्वेंशियल एसेस, ठीक है। तो आपका ये जो दिया गया है वो इलाहाबाद बैंक देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन,
विश्व मधुमेह दिवस WDD के 2018 अभियान का विषय क्या है? तो विषय आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो देखिए, जो विश्व मधुमेह दिवस होता है ये पहले कब मनाया जाता है, तो जो विश्व मधुमेह दिवस है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको याद करना है, तो बच्चे को क्या होता है, मधुमेह नहीं होता है कभी भी, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों को मधुमेह नहीं होता। अब बच्चे बाल दिवस को मनाया जाता है 14 नवंबर को, इसलिए विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है आपका दोस्तों, द फैमिली एंड डायबिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू ब्रांड लॉन्च किया है, ठीक है? तो ये आपका है सेशल्स, ठीक है दोस्तों। और यह जो संप्रभु है, एक तरह से जो संप्रभु ब्रांड होता है, एक ऐसा होता है जिसमें जो इको फ्रेंडली होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब यह मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, ब्रिगेडियर सेनानिवृत्त कुलदीप सिंह चंदपुरी जो हाल में निधन हो गया था, वह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक लड़ाई में उनके वीर नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कुलदीप सिंह चंद्रपुरी जो हैं, वह जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी, लॉन्गोवाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक प्रमुख थे। और इसी युद्ध से प्रभावित होकर एक मूवी बनाई गई है बॉर्डर, जिसमें सनी देओल ने इनका मतलब किरदार किया है, ठीक है? तो ये कौन सा युद्ध हो जाएगा, लोंगोरा की लड़ाई हो जाएगी, लोंगोवार की लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती पे मनाया जाता है? तो ये तो अभी तुरंत बना है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और यह क्या है, एकता बनाया गया, ठीक है? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आपको तो पता होगा इनका डेट ऑफ बर्थ क्या। आप देखिए, अब राष्ट्रीय एकता दिवस कौन होगा, तो आप देखिए 31 अक्टूबर हो जाएगा, और 31 अक्टूबर इनका जन्म दिवस है, इसलिए आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दो राष्ट्र एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं? तो हमेशा हमारे साथ कौन रहता है, पाकिस्तान रहता है, तो यही आंसर हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को यूनिसेफ इंडिया के पहले युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों? तो हिमा दास है, अमित पंगहल है, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया। देखिए, जो हिमा दास हैं आपके, ये 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त की थी, और इन्हीं को भारतीय युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, माइकल डी हिंगिस ने किस देश के राष्ट्रपति में दूसरे बार कार्यकाल जीता? देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए, माइकल डी हिंगिस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ये आपका है आयरलैंड में, और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डुबलिन है, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, डुबलिन। चलिए अगला क्वेश्चन, 2019 के आम चुनाव के लिए युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर इंडिया द्वारा कौन सी सामाजिक पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है? तो आप जो भी है, जो 2019 का चुनाव होने वाला है, वो उसको बढ़ावा देने के लिए पावर ऑफ 18 को दिया गया है। पावर ऑफ 18 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 18 इसलिए क्योंकि मतलब 18 साल के हो जाने के बाद बच्चों को अधिकार मिल जाता है कि अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार 2018 सांगई महोत्सव का आयोजन करेगी, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ जो है, यहाँ पे आपकी मणिपुर की सरकार है, यही जो है आपका यह सांगई महोत्सव का आयोजन करेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जब भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो अभी आपको बताया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जो राष्ट्रीय, देखिए हर लोगों के जन्मदिवस में, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस से मनाया जाता है, और अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्मदिवस है वो आपका 11 नवंबर है, और ये अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने 2018 में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको टिक बताता हूँ, जैसे यहाँ पे दो देश हैं आपके, एक फ्रांस है
और ये आपका क्रोएशिया है। तो इसके पहले एक हुआ था फीका, ठीक है दोस्तों। तो जो फीका हुआ था, फीका में आपका फ्रांस ने जीत गया, ठीक है, फीका को जीता फ्रांस ने। तो इस बार उसका बदला लिया क्रोएशिया ने। तो डेविस कप में इसको, डेविस कप क्रोएशिया ने जीत के फ्रांस का बदला लिया, तो इसमें क्रोएशिया जीत जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डेविस कप जीता किसने? क्रोएशिया ने। और फीका कप जीता है फ्रांस ने, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। चलिए अगला क्वेश्चन। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? तो आपदा न्यूनीकरण के लिए जो अक्टूबर 13 को मनाया जाता है, अक्टूबर 13 को होता है, प्रमोट किया जाता है ग्लोबल कल्चर और रिस्क अवेयरनेस एंड डाइजेस्टर को। अगर आपको याद करने का तरीका चाहिए तो हम बता रहे हैं। देखिए इसमें डाइजेस्टर रिडक्शन आ रहा है ना दोस्तों, तो जो आपदा न्यूनीकरण मतलब डाइजेस्टर रिडक्शन, तो देखिए डाइजेस्टर में इसमें डाइस में 10 आ रहा है कि नहीं, आ तेर तेर टेर टर आ रहा है, मतलब 13, 10 13, तो 10 13 मतलब 13 10 होगा, तो 13 और 10 का मतलब 13 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ के रुपयों से अधिक की 4 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? लेदर, फिशर, हैंडलूम और पोल्ट्री। तो इसमें जो दिया है चमड़ा उद्योग, ठीक है, चमड़े उद्योग के लिए दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग बता दीजिए कि जो आपका किस कौन सा कलर किससे किससे संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए ब्लू है आपका फिश से संबंधित होगा, ब्राउन जो है लेदर से संबंधित होता, गोल्डन जो है आपका हनी और हॉर्टिकल्चर से होता, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान, हनी मतलब शहद, ठीक है दोस्तों। और आपका जो गोल्डन फाइबर होता है वो जूट से संबंधित होता है, रेड जो होता है मीट और टोमेटो से होता है, ठीक है। और आप लोग इसका ग्रीन और वाइट का इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किससे किससे संबंधित। आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको देख के बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। द पुस्तक पुस्तक द विरोधाभासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भारत के लेखक कौन है, ठीक है? तो इसके जो लेखक हैं आपके शशि थरूर जी हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए शशि थरूर जी हैं, इनके किताबों में एक बात कॉमन होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया या है ना, इनकी जितनी भी बुकें होती हैं वो इंडिया से, हिंद मतलब हिंदी और इंडिया से, हिंदुस्तान या इंडिया से संबंधित ही होती है। देखिए इनके हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जितनी भी बुकें हैं आपके, यहाँ पे देखिए पहला बुक है वाई आई एम हिंदू, इसमें भी हिंदू आ गया। और फिर दिया दूसरा द इरा ऑफ द डार्कनेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया आ गया। और उसके बाद देखिए इंडिया फ्रॉम द मिड नाइट, इसमें भी इंडिया आ गया। और नेहरू दी इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया आ गया। आए देखिए इसके दोस्तों सारे बुकों में इनकी इंडिया, तो इसलिए जहाँ पर इंडिया आ गया समझ लीजिएगा लगभग शशि थरूर की बुक होंगी, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त मेंटल नेशनल समुद्री व्यायाम इप्सामार चाहे IBSMAR कह सकते हैं, चाहे इप्सामार बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इप्सामार 2018 किस देश से शुरू की गई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना दोस्तों क्या हो जाएगा, किस देश में? तो देखिए जो इप्सामार है आपको आई से हो जाएगा इंडिया, बी से है आपका ब्राजील, और यस ए से है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। अब किस देश में शुरू हुआ? तो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने अपने आने वाले विधानसभा में गुलाबी बूथ को स्थापित किया, किस राज्य ने स्थापित किया? थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पे पूछा किस राज्य ने गुलाबी बूथ क्या स्थापना किया है अपने विधानसभा चुनाव के लिए? तो यह स्थापना किया है आपका मध्य प्रदेश ने, ठीक है दोस्तों। चलिए मध्य प्रदेश आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है उत्तर पूरे भारत में। चलिए परियोजना उन्नत से संबंधित है, परियोजना उन्नत किससे संबंधित है आप लोग बताना है दोस्तों। तो जो परियोजना उन्नत से आपका और बंदरगाहों से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। डेवलपमेंट आप बंदरगाहों के विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा अंडर 19 खिलाड़ी पहली बार टेस्ट शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने? ये आपके हैं पृथ्वी शाह जी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक उड़ीसा पुरुषों की हॉकी विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो शुभंकर था ओली था, यह कछुआ की प्रजाति होती है ओली, ठीक है। ओली
बर्थले रीड, ओली रिडले सी, ठीक है। और यह आपका संकटापन प्राणी है, ठीक है दोस्तों, मतलब समाप्त होने वाला लगभग है, तो इसलिए इसको वो संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रामी नैनी फाउंडेशन के उत्कृष्ट व्यक्ति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रामी नैनी फाउंडेशन के उत्कृष्ट के लिए पुरस्कार को सम्मानित किया गया है पुलेला गोपीचंद को, ठीक है दोस्तों। तो आपका पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु है जो ऑन दी 2018 मैन बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन, ठीक है। तो मैन बुकर प्राइज फिक्शन किसने जीता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको जीता है अन्ना बुनसन ने, ठीक है, अन्ना बुनसन ने जीता है। आपको याद करना है इनकी जो पुस्तक है वो मिल्क मैन है, आपको पुस्तक का नाम याद करना है। तो देखिए, दूध होता है उसको क्या होते हैं, इसको फूक फूक के पीते हैं, ठीक है। तो यही मतलब होता है ना, जब दूध गर्म होता है मतलब बर्न करता जलता है, इसको फूक फूक के पीते हैं। तो वैसे देखिए इसमें बर्न आ रहा है ना, बर्न्स, और इसमें मिल्क मैन में तो इनकी रचना हो जाएगी मिल्क मैन की बर्न, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, नेहरू और बोस समांतर जीवन की किताब के लेखक कौन है। तो इस लेखक के जो हैं आपके हैं रुद्रांशु मुखर्जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो रुद्रांशु मुखर्जी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बाद गायों के लिए, इसमें दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ, इसमें भी यही है कि जो राजस्थान है उसके बाद गायों का संरक्षण प्रदान के लिए कौन सा राज्य आया है। इसमें आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, और विधानसभा का चुनाव तो हो ही रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने महाप्रताप दी अनविंसिबल अजय योद्धा पुस्तक लिखी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड है, आप लोग पूरा पढ़ के मैं बता रहा हूँ। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने महाराणा प्रताप अजय योद्धा नामक पुस्तक लिखी है, इसको लिखा है उमा चक्रवर्ती ने, ठीक है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, उमा चक्रवर्ती ने, रीमा हुजा ने लिखा है, सॉरी रीमा हुजा ने लिखा है इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट संख्याविद ने इंडियन वार्तालाप एंड प्रतिबिंब नामक किताब लिखी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, आपको पूरा मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो किताब का नाम है इंडियन वार्तालाप एंड प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये लिखे हैं विजयन बाला ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन के रूप में किसको चुना गया। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांस, यहाँ का ट्रांस का मतलब है आपका ट्रांसजेंडर, ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर, ठीक है। और इसको चुना गया है वीना सिंदरे के, जो छत्तीसगढ़ की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने हाल ही में संगीत अकादमी विशेष जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार जीता है। ये जो जीते हैं आपके हैं TH विनयक्रम, और ये आपके जो TH विनयक्रम है, ये आप जो एक संगीत वादक हैं और वो बजाते हैं जो घड़ा का होता है ना, घटक्रम, इसको घटक्रम भी शायद बोला जाता है। इस घटक्रम और YouTube पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा घटक्रम के संगीत वादक, तो ये इनका नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है आपके TH विनयक्रम, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विकू विनयक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए। देखिए, अगर सीमा पे आपको नियुक्त किया गया है तो आपको बताना है। तो इसमें जैसे याद कराने के ख्याल में बता रहा हूँ, जो रजनीकांत अगर सीमा पे खड़े हो जाएंगे क्या अपने स्टाइल में सीमा की सुरक्षा करेंगे, तो यहाँ पे रजनीकांत मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2018 संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, ठीक है। तो रोजर फेडर, बोर्ना कोरिक, नोवाक जोकोविच और एंडी मुरे। तो इसमें जो जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकी आधारित दलित लेखक ने 2018 में शक्ति भट्ट प्रथम पुस्तक पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो जो शक्ति भट्ट जो होता है, एक तरह से दोस्तों जो शक्ति भट्ट होता है ना दोस्तों, यह प्रथम रचना होती है। अगर कोई प्रथम अपनी रचना अच्छी तरह से लिखाता है तो उसको उसको शक्ति भट्ट से सम्मानित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखा है सुजाता गिदला ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यांमार के नेता आंग सान सू की को किस सम्मान से अलग कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों,
जो म्यांमार के नेता थे, तो वहाँ पे एक रोहिंग्या जो अभी अभी हाल ही में मतलब न्यूज में आया था, रोहिंग्या जो रोहिंग्या समुदाय जो मुस्लिम से रिलेट करते थे उनको वहाँ से वो हटा दिए थे। और इसके विरोध में वहाँ के जो कैनेडियन, इनको कनाडा का सिटीजनशिप मिला था, कैनेडियन सरकार ने इसे कनाडा का सिटीजन छीन लिया और उसको नोबल पुरस्कार भी छीनने की बात हो रही थी। लेकिन जो नोबल के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जिसको नोबल एक बार दे दिया जाता है उसका छीना नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैनेडियन सिटीजनशिप। चलिए अगला क्वेश्चन, द ब्यूटी ऑफ ऑल माई डेज का लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए थोड़ा, काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके नीरज, सॉरी दोस्तों, विनीत वाजपेयी हैं। ठीक है, परीक्षा योद्धाओं मतलब एग्जाम वॉरियर, देखिए दोस्तों यह एक तरह से एग्जाम वॉरियर है, और इसके पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन, यह जो पुस्तक है बहुत पहले लिखी जा चुकी है लेकिन इसका तेलुगु में वर्जन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें चर्चित है और इसको लिखे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, दी पुस्तक दी ट्यूट्स बोर्न लाइफ एंड डेथ ऑन दी गंगा के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों को बताना है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसमें दिया आगा शाहिद अली होता है, अमित त्रिपाठी दिया, अभिजीत बंदोरी दिया, अतीश तीसर। तो देखिए इसमें, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्वाइस दिया ना, ट्वाइस बार मतलब दो बार, तो आपके ऑप्शन में भी ऐसे दो बार कोई भी एक वर्ड दो बार आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है आपका ए ए दो बार आया है और टीसर में ई ई दो बार आया है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अतीश तीसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पर आधारित एक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में पुस्तक जो लॉन्च की गई थी और नई तालीम पे पुस्तक लॉन्च की गई, नई तालीम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय अभियंता दिवस NED किस तारीख को मनाया गया है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, तो ये आपको मनाया गया 15 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मतलब जो टीचर डे होता है वो किसके तौर पे है, स्पोर्ट डे है आपका मेजर ध्यानचंद पे है, और जो आपका राष्ट्रीय अभियंता दिवस है, सॉरी राष्ट्रीय अभियंता एवं विश्व सरैया की जन्म दिवस से मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 16 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया था? देखिए दोस्तों, अगर आप इसको याद करने का ट्रिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये तो आपको पता है ना कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया था, और शिक्षक में अगर एक डंडा ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 8 सितंबर, इसलिए 8 सितंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये आसान क्वेश्चन है, मैंने अपने वीडियो के प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको 14 सितंबर 1953 से लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, और इसको चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है, और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो आपको अभी बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बताते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? तो यह जो शुरू किया है वो जर्मनी शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, और इस ट्रेन से जानते हैं क्या होगा, यह इको फ्रेंडली होगा, और इसमें चलिए इसमें केवल बाफ सॉरी इसमें केवल वाटर और बाफ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, 2018 ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट में कौन सा देश मेजबान है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है, कौन सा देश आपको बताना है, इंडिया, चाइना, नेपाल और जापान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला कि साइकिलिंग टूर्नामेंट में, तो साइकिलिंग टूर्नामेंट में आपका इंडिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें जो कुछ चीज़ है आप लोग इसको रोक रोक के वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से चीज़ इसमें बताया गया, सारे कुछ मैंने लिख दिया है, थोड़ा समय कम इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और सारा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने क्षेत्रीय समुद्री संगाई अभ्यास ककाडू 2018 में भाग लिया? ठीक
ठीक है, तो ये आपका आई एन एस विक्रांत है, एन एस विराट है, आई एन एस सपुत्र है, और आई एन एस सह्याद्री है। तो ये आपका आई एन एस सह्याद्री है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका 2018 नौसेना अभ्यास कौन से देश में भाग लेगी। तो देखिए आपको अभी बताया है जो श्रीलंका, श्री से श्रीलंका हो जाएगा, उसके बाद इंडिया हो जाएगा, तो श्रीलंका और इंडिया, तो श्रीलंका इंडिया कहाँ पे है, देखिए दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नोमोडिक हाथी 2018 व्यायाम भारत और दूसरे देश के बीच में एक अभ्यास संयुक्त है, कौन कौन देश है, ये आपको अभी बताया गया था दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये आपका है मंगोलिया और इसकी कैपिटल है उलान बटोर और पीएम जो है आपके उकनांगिन, हाँ ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा मंगोलिया। चलिए अगला क्वेश्चन, जो करेंसी आपका टिग्रिस होती है, चलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा अपना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किन संसाधनों के लिए अटल रैंकिंग शुरू की, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा इसमें। तो अटल रैंकिंग जो शुरू की है ये आपके यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, नेता ऐप किस देश की प्रणाली से प्रेरित है। देखिए जो नेता ऐप है ना दोस्तों वह होती है, होता क्या है, देखिए जो नेता ऐप होता है पोर्टल एक्बिलिटी और ट्रांसपेरेंटी के कारण, और ये आपके आधार नंबर और ओटीपी के आधार पे आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, और ये आपका यूनाइटेड स्टेट में पहुँच जाता और उसी से प्रेरित हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय संचार प्रसार को ऑनलाइन अपनी सामग्री लेने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट नौ लेखा लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है गूगल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने गगनयान पे काम करने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया। तो गगनयान पे काम करने के लिए आपका काम किया है फ्रांस ने। चलिए इस फ्रांस की राजधानी बता दीजिए पेरिस है, और इसका आपका प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन है, करेंसी यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता उल्लेख की गई है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता तो क्वेश्चन आसान है पॉलिटिक्स का थोड़ा सा, और इसमें जो आर्टिकल 25 है इसके आधार पे जो है वह रिलीजियस के बारे में बताया गया है, और यह क्या होता है कि सभी में आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं इसमें यह है, ठीक है। चलिए, किस देश ने इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध खेल शुरू किया है। तो यह आपका देश है आपका रसिया, ठीक है दोस्तों, रसिया ने इसमें 3000 ट्रूप्स होगा, इसमें चाइनीज सोल्जर भी उपलब्ध होंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा रसिया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अब समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जो हमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने वीडियो को बनाया है, आप लोग मेरे मेहनत को जरूर कुछ ना कुछ आप लोग इसको शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।